चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं, इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपने सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है। जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़, जी सर, 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव उनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर, आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं, इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने दो बातें बोल रहे हैं सर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। अच्छा चंदा देवी जी, बच्चे क्या पढ़ते हैं? सर अभी मेरी बिटिया कक्षा 7वीं में है सर, और हमारा बेटा अभी कक्षा 3 में है सर। क्या सोचा है, बच्चों को क्या पढ़ाओगी? सर अगर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपने सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है। जी सर। और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। जी सर। मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में, जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं है, बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़, जी सर, 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर।